हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में बताएंगे, अर्थात लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोडियम के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लाज्मोडियम है क्या? नहीं तो जान लीजिए कि प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोवा का एक सूक्ष्म जंतु है, जो मनुष्य में मच्छर की सहायता से मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की चार जातियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के मलेरिया ज्वर या बुखार उत्पन्न करती हैं। ये हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मैलरी। तो ये चार जातियां हैं जो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के मलेरिया बुखार या मलेरिया ज्वर उत्पन्न करती हैं। आगे बढ़ने से पहले, अर्थात लाइफ साइकिल आप प्लाज्मोडियम को समझाने से पहले आपको इसकी संरचना दिखा देते हैं कि प्लाज्मोडियम कैसा दिखता है। ये जो बेलनाकार चित्र देख रहे हैं, ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना है। क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि स्पोरोजॉइट क्या है। तो ये प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की एक अवस्था होती है स्पोरोजॉइट। मलेरिया परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र दो पोषदों में पूरा होता है, इसीलिए इसे द्विपोषदीय जंतु भी कहते हैं। मतलब ये कि अपना जीवन चक्र दो जीवों के शरीर में रहकर पूरा करता है, इसीलिए इसे द्विपोषदीय कहा जाता है। प्लाज्मोडियम का पहला पोषद यानी प्राइमरी होस्ट मनुष्य होता है, जिसे मुख्य पोषद भी कहते हैं, तथा द्वितीय पोषद अर्थात सेकेंडरी होस्ट मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। इसका अलैंगिक जनन मनुष्य में होता है, जिसे साइजोगोनी कहा जाता है, तथा लैंगिक जनन व बीजाणु जनन मादा एनोफिलीज मच्छर में पूर्ण होता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि इसका अलैंगिक जनन मानव शरीर में तथा लैंगिक जनन मच्छर में पूर्ण होता है। इस प्रकार इसका पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। तो चलिए पहले मानव शरीर में अलैंगिक जनन चक्र या एसेक्सुअल लाइफ साइकिल इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है, तो मनुष्य का रुधिर चूसते समय लार के साथ हजारों अति सूक्ष्म स्पोरोजॉइट मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात जब मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है, तो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट जो कि मच्छर के अंदर होते हैं, मनुष्य के खून में प्रवेश कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो जब मच्छर मनुष्य को काटता है, उसके आधा घंटे के बाद स्पोरोजॉइट रुधिर परिसंचरण के माध्यम से यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है, यहीं पर अपना पोषण प्राप्त करता है और वृद्धि करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि ये लीवर पर या यकृत पर ही क्यों अटैक करता है। तो आपको बता दूं कि इसके तीन कारण हैं। पहला, वहां WBC से सुरक्षा के लिए जाता है। दूसरा, भोजन प्राप्त के लिए, क्योंकि इसका प्रिय भोजन ग्लाइकोजन होता है जो लीवर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और तीसरा गुणन के लिए। तो इस प्रकार से इन तीन कारणों की वजह से यह लीवर या यकृत पर ही पहले अटैक करता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से जब केंद्रक बार बार विभाजित होकर अनेक साइजांट बनाता है, तो बहुविखंडन द्वारा लगभग 1000 छोटे छोटे क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बनते हैं। यही क्रिप्टोमेरोजॉइट्स विकसित होकर मेटाक्रिप्टोजॉइट्स कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें बड़े वाले फिर से यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर पोषण प्राप्त करते हैं, तथा छोटे वाले रुधिर की लाल कणिकाओं अर्थात एरिथ्रोसाइट्स में प्रवेश करते हैं और वहां अनेक प्रवस्थाएं बनाते हैं। कौन कौन सी प्रवस्था है? मुद्रिका अवस्था, अमीबी अवस्था, विखंडी जनन।
तो पहली अवस्था है मुद्रिका अवस्था, इसके बारे में जल्दी से संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। मुद्रिका अवस्था में मीरोजॉइट लाल रुधिराणुओं अर्थात एरिथ्रोसाइट्स के अंदर एक गोलाकार प्लेट नुमा ट्रोफोजॉइट में बदल जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसे सिग्नेट मुद्रिका अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी अवस्था है अमीबी अवस्था, इसमें ट्रोफोजॉइट में कूटपाद बनने लगते हैं। कूटपाद बनने से अमीबा की तरह दिखाई देता है। इस अवस्था में ट्रोफोजॉइट पोषद के लाल रुधिराणुओं के कोशिका द्रव्य से पोषक प्राप्त करके तीव्र गति से वृद्धि करता है। कुछ घंटों की वृद्धि के बाद ट्रोफोजॉइट में गहरे भूरे रंग की ही हीमोजॉइन कणिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लगभग 1 से 3 दिनों में पूर्ण विकसित होकर ट्रोफोजॉइट रुधिराणुओं के अधिकांश भाग को घेर लेता है, अर्थात जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इनको पूरा पूरा घेर लेता है। अब तीसरी अवस्था है विखंडी जनन। घेरने के बाद क्या होता है, इस अवस्था में ट्रोफोजॉइट का केंद्रक बार बार विभाजित होकर 8 से 26 संतति केंद्रक बनाते हैं, जिसे साइजांट कहते हैं, जो खंडों में बंटकर साइजोजॉइट बनाता है। ऐसे बहुविखंडन से मीरोजॉइट्स बनते हैं, जो नए लाल रुधिराणुओं में प्रवेश करके दो प्रकार के युग्मक जनन कोशिकाओं में विकसित हो जाते हैं। पहला माइक्रोगैमेटोसाइट्स, जिसे नर युग्मक कहते हैं, और दूसरा माइक्रोगैमेटोसाइट्स, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। यानी माइक्रो और मैक्रो दो में, तो माइक्रो होगा नर और मैक्रो होगा मादा। अब एक पोषद हो चुका है, दूसरा पोषद मच्छर बचा हुआ है। तो चलिए आगे के जीवन चक्र के लिए मच्छर में चलते हैं। तो मच्छर में लैंगिक जनन कैसे करता है प्लाज्मोडियम देखते हैं। संक्रमित मनुष्य का रुधिर पान करते समय लाल रुधिराणुओं के साथ प्लाज्मोडियम के मादा युग्मक जनक एनाफ्लीज मच्छर की आहार नाल में पहुंच जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहां से ये पहुंच गया है, वहां अर्धसूत्रण के बाद युग्मक बन जाते हैं। अर्थात जब मच्छर संक्रमित मनुष्य को काटता है, तो मनुष्य के लाल रुधिराणुओं से प्लाज्मोडियम के युग्मक मच्छर की आहार नाल में पहुंच जाते हैं और वहां अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। अब नर युग्मक मादा युग्मक की सतह पर उपस्थित निषेचन संक द्वारा, जो मादा युग्मक की सतह पर निषेचन संक होता है उसके द्वारा मादा युग्मक में प्रवेश कर जाता है और इस तरह से निषेचन हो जाता है। तो पूरा जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक में ही प्रवेश कर जाता है और निषेचन हो जाता है। इस तरह से द्विगुणित या डिप्लॉइड युग्मरस केंद्रक बनता है। धीरे धीरे लगभग 9 से 10 घंटे के बाद यह 15 माइक्रोन से 20 माइक्रोन लंबी एक कृमि रूपी रचना में बदल जाता है, जिसे चल युग्मनज या ओकिनिट कहते हैं। जब यह आमाशय की दीवार के संपर्क में आता है, अर्थात मच्छर की आमाशय की दीवार के संपर्क में आता है, तो उसमें धंसकर एक गोलाकार युग्मनज में या सिस्ट में या पुटी में बदल जाता है। अब यह आमाशय की भित्ति से पोषण प्राप्त करता रहता है और वृद्धि करता है। 1-2 दिन बाद प्रत्येक पुटी या सिस्ट का युग्मनज बहुविखंडन करके अनेक बीजाण स्पोरोजॉइट्स बनाता है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। अब पुटियां फट जाती हैं। जब बीजाणु जनन हो जाता है तो जो पुटी होती है, देखिए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पुटियां फट जाती हैं और स्पोरोजॉइट्स मच्छर की हीमोसील में बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद क्या होता है, यहीं से ये धीरे धीरे करके लार ग्रंथियों में घुस जाते हैं और नए संक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब मच्छर फिर से किसी व्यक्ति को काटता है, किसी मानव को काटता है या मनुष्य को काटता है, तो उसके अंदर फिर से यही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार से प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र चलता है। तो आशा है आप लोगों को प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।